when you find the one you love. I got a girl that compliments my fly, and when it goes. इंडिया और पाकिस्तान में वेजिटेबल की प्राइस क्या है, तो और इंडिया के जो आम लोग हैं और जो के मतलब के सब्जियां बेचते हैं उनके पास जाके पूछेंगे हर एक चीज का रेट, तो वही है वीडियो देखने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो अंत तक देखिएगा, पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा। फटाफट से देखते हैं आज की। अच्छा, प्याज ये क्या रेट है? थोड़ा आगे आ जाओ यार। 20 रुपए किलो जी। अगर ये मान लो तुम 250 या 260 रुपए किलो बेचो तो बिकेगा? नहीं सर, 250 में जब होगा तो उस हिसाब से एक प्याज खरीदा जाएगा, फिर उतना कहाँ ले पाएंगे 2 किलो 4 किलो। कोई ऐसा देश है जहाँ पर इतनी महंगी सब्जियाँ मिल रही, तो उस देश के लोग कैसे जीवन यापन कर रहे होंगे? पाकिस्तान की बात कर रहे हैं आप? 10 के 2 महंगा तो नहीं लग रहा है आपको? नहीं महंगा नहीं लग रहा भाई। ये वाला जो गोभी का फूल है, आप इसका साइज देखो, 2 किलो देते हो? नहीं, देखो कितना बड़ा गोभी फूल है। कितने किलो होगा लगभग ये? 2 किलो का। क्या प्राइस, मतलब कितने रुपए का है? 15 रुपए का। मान लीजिए 3 दिन की आप सब्जी लेंगे, कितने रुपए में? हमारी 100 रुपए में हो जाती थी। 3 दिन की सब्जी, बढ़िया एकदम, कोई दिक्कत नहीं, एकदम धन्यवाद। क्या खरीदे हैं भैया? हम आलू खरीदे हैं। और क्या आलू क्या रेट में? अच्छा, ये क्या रखे हुए हो, मतलब ऑनलाइन हो गए हो आप? कोई भी ऑनलाइन पेमेंट? पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी कंट्री है, वहाँ पर जो प्राइस है, मतलब सब्जियों के बहुत है। सब प्याज आप 250 में खरीदना पसंद करेंगे भैया? वो पाकिस्तानी खाली खरीद पकड़। नमस्कार, आदाब, सत श्रीकाल, जय हिंद। मेरा नाम अनु धीमान, आप देख रहे हैं नेशन टॉक। पाकिस्तान के अंदर सब्जियों के जो दाम है बहुत ही ज्यादा महंगे हो चुके हैं। आज हम मौजूद हैं भारत की एक छोटी सी जगह के ऊपर जहाँ सब्जियां लगा दी जाती हैं, लोग यहाँ से खरीदते हैं। ये कोई मंडी नहीं है, अगर मंडी आप जाएंगे तो और भी सब्जी सस्ती यहाँ पर मिलेंगी आपको। आज हम यहाँ का प्राइस आपको दिखाएंगे, जो पाकिस्तानी रुपए में यहाँ की सब्जी होगी उसको हम स्क्रीन के ऊपर दिखा देंगे कि वो कितने रुपये पाकिस्तान में बन रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं सब्जी वालों के पास में, साथ ही हम लोग जनता से भी बात करेंगे कि आपको महंगी लग रही है सस्ती लग रही है। आइए, क्या नाम है भाई? सूरज। क्या रेट गाजर दे रहे हो? 40 रुपए किलो। और ये कटहल? 40 रुपए किलो। आप भाई क्या रेट टमाटर दे रहे हो? टमाटर भाई 10 रुपए किलो, देसी है, गांव वाला। अच्छा, लोग खरीदते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आती? कोई महंगा वहंगा तो नहीं कुछ ऐसा इशू आता भाई? बहुत मद्दा चल रहा है इस वक्त, बहुत मद्दा है। अच्छा, ये अगर टमाटर मान लो आप 60 रुपए बेचो तो बिकेगा? बिकेगा, मगर कम होने पे बिकेगा, ज्यादा होने पे नहीं बिकेगा। इस वक्त अभी जा रहा माल ज्यादा, किसानों माल है ना लोकल, इसलिए 10 रुपए किलो है। आप अच्छा, ये टमाटर मिलने में कोई दिक्कत नहीं होती? आराम से मंडी जाते हैं, मिल जाती है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? जितना चाहो उतना मिल जाएगा, जितना भी चाहिए उतना मिल जाएगा आपको। आप भाई क्या रेट, ये कैसे दे रहे हो आप? भाई 20 रुपए की, 250, 80 रुपए किलो। अगर कोई और बार्गेनिंग करता तो कुछ कम कर देते हो कि मतलब फिक्स है? 1 किलो 70 रुपए की। क्या 250? 20 रुपए की। और ये कैसे दे रहे हो मिर्ची, आप कैसे दे रहे हो? ये भी वही रेट है, 1 किलो 70, 20 का 250। अच्छा, मान लो ये अगर आप बेचते हो 400 रुपए किलो तो कौन खरीदने आएगा? मैं भाई, जब 400 रुपए किलो का रेट नहीं है तो भाई खरीद। मान लो अगर कोई आप बेचोगे तो कोई खरीदेगा इसको? बिल्कुल नहीं लेगा भाई, 400 रुपए किलो अदरक कहाँ बिक जाएगी। अच्छा, टमाटर क्या रेट है? टमाटर 10 रुपए किलो। और ये भी हम पूछे सर ना आपसे, क्या रेट है ये? ये 20 रुपए का, 250। 1 किलो कितने का? 70 रुपए। अच्छा सर, आप ये बताइए, टमाटर खरीद रहे हैं, कोई महंगा महंगा तो नहीं लग रहा? नहीं, महंगा क्या है आजकल कुछ सब्जी? यहाँ कुछ नहीं, सब्जी क्या महंगी, जैसा रेट होता है वैसे तो देंगे ना, अपनी जेब से तो लगा के देंगे नहीं। नहीं, अभी क्या, जैसे ये मान लो 10 रुपए में टमाटर मिल रहा है, 70 रुपए, 60 रुपए किलो आपको अदरक मिल रही है, बाकी और भी जितनी सब्जियां हैं कुछ ज्यादा महंगी तो नहीं लग रही है? देखिए, समस्या कभी जाती नहीं है, ठीक है ना। समस्या अगर व्यक्ति के आगे है तो समस्या वो रहेगी, जैसे जैसे जिस हिसाब से आमदनी है उस हिसाब से तो ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, खर्चा वर्चा चल जाता है? कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत। आइए, धन्यवाद। बड़ी दिक्कत जी। भाई कैसे दे रहे हो गोभी का फूल? भाई 10 रुपए के। और ये बंदा? वो भी 10-15 दो। 10 रुपए दे देते, मतलब ये 15 दो दे देते हो, वो भी 15 दो दे देते हो? अच्छा, तो ये अवेलेबिलिटी है, आराम से मंडी लाते मिल जाते हैं? हाँ, मिल जाते हैं आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं होती? दिक्कत कोई नहीं होती। अच्छा, ये मूली कैसे दे रहे हो आप? मूली 10 रुपए की, 4-5। अच्छा, बाकी जो सब्जी लगा के रखी उसका भी थोड़ा प्राइस बता दो नाम के साथ में। सोया मेथी जैसे है 15 रुपए बिक जाता है, 20 का भी बिक जाता है। कितना, मतलब
कितने रुपए किलो बताओ? रुपए किलो बिकता है सोया मेथी और पालक 15 रुपए किलो। तो ये सब आराम से मंडी मिल जाता है? ज्यादा खुद खेती करते हो कि लाते हो मंडी? नहीं, मंडी से लाते हैं। अच्छा भैया ये बताओ आलू क्या रेट है? 10 रुपए? 200 रुपए किलो। थोड़ा तेज से। 10 रुपए किलो। और मटर? 25 रुपए किलो। अच्छा और कोई जैसे ज्यादा लेता है तो कम कराता है तो कम कर देते हो थोड़ा बहुत? 2-4-5 रुपए पसेरी पे कम। 2-5 रुपए पसेरी में कम हो जाता है इसमें भी। अच्छा प्याज ये क्या रेट है? थोड़ा आगे आ जाओ यार। 20 रुपए किलो। 20 रुपए जी। अगर ये मान लो तुम 250 या 260 रुपए किलो बेचो तो बिकेगा? नहीं सर। क्या जो है ये बैंगन क्या रेट मिल रहा है? 1 किलो 20। और ये कद्दू जो है वो 20 रुपए किलो भी, 20-15। और भाई आप ये सब्जी खरीदने आए हो, कुछ महंगा लग रहा है कुछ सस्ता लग रहा है, क्या लग रहा है? नहीं नहीं भैया, मतलब नॉर्मल है, कुछ ऐसा महंगा तो नहीं लग रहा है। क्या क्या खरीदे आप दिखाइए थोड़ा। मूली है और बाकी सब पॉलिथीन में, खुद ही नहीं पता है। नहीं नहीं पता, बैंगन है, पालक है। अच्छा मान लीजिए पालक आपको 100 रुपए किलो मिले तो आप लेना चाहेंगे? नहीं इतनी महंगी मिलेगी तो थोड़ी लेना। मान लीजिए प्याज जो है 260 रुपए किलो अगर आपको मिले, 250 रुपए किलो मिले तो? तब भी नहीं। टमाटर 60 रुपए? क्यों? अब जैसा समय रहेगा उस हिसाब से आदमी मतलब अपना जी सर्वाइव करने के लिए मतलब खाएगा पिएगा, भी जरूरी थोड़ी ना कि। अच्छा मान लीजिए कोई ऐसा देश है जहाँ पर इतनी महंगी सब्जियाँ मिल रही, तो उस देश के लोग कैसे जीवन यापन कर रहे होंगे? पाकिस्तान की बात कर रहे हैं आप? मान ली हम नाम नहीं लेंगे, आप दिल्ली पाकिस्तान का है। नहीं नहीं दिक्कत तो होगी भाई, वहाँ के लोगों को दिक्कत तो हो ही रही है। ऐसा तो नहीं, अब पैसा तो वहाँ पे भी, अब वहाँ पे डॉलर मतलब और भी महंगा है, पैसा शायद हम लोग से भी महंगा है, तो वहाँ तो दिक्कत और ही होगी। लेकिन सभी को नहीं दिक्कत हो रही होगी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप कुछ लोगों को तो दिक्कत वहाँ बहुत ज्यादा। ये बताओ जैसे आप 1 लाख रुपए महीना कमाते हो लेकिन आपको 250 रुपए में जब प्याज मिलेगा तो दिक्कत होगी कि नहीं होगी? नहीं दिक्कत तो होगी, प्याज अब इतनी महंगी थोड़ी ना कोई खाएगा कि प्याज अब 20-30 रुपए की चीज अब 200-300 मिलेगी थोड़ी ना कोई खाएगा। पाकिस्तान के अंदर 320-310-250 ऐसे रेट चल रहे हैं, तो एक थोड़ा हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि हाँ प्राइसिंग का क्या कंपैरिजन। अब उससे तुलना करेंगे आप पाकिस्तान से? नहीं तुलना नहीं कर रहे हैं, मतलब वहाँ के सब्सक्राइबर जो है ना हमारे, उनका थोड़ा रिक्वेस्ट आया। अच्छा ये बताइए मान लीजिए से 10 रुपए में है यहाँ पे, तो अगर यहाँ से आलू जाए वहाँ पर तो वहाँ पर 30-40 रुपए में हो जाएगा बस, है ना? तो उनको भारत से मदद लेनी चाहिए कि नहीं? लेकिन वो लोग बेवकूफ़ है ना, वो लोग बेवकूफ़ है, ऐसा काम करेंगे नहीं, मदद नहीं लेंगे, मर जाएंगे। लेकिन मर जाएंगे, मदद नहीं लेंगे भाई, मदद क्यों ले लेंगे वो? नहीं तो सोचिए इतना अच्छा पड़ोसी है, मतलब वही है ना आपस में भाई भाई का नहीं बन रहा तो भाई वही पड़ोसी वाला सीन है, कैसे बनेगा आपस में? आप अच्छा सब्जी लियो, 3 दिन की सब्जी कितने रुपए में? अब इतना तो ध्यान नहीं, लगभग मान लीजिए कुछ आप ले जा रहे हो तो कितने दिन सब्जी चलेगी? 100, ये 2-3-4 दिन तो चली जाएगी। कितने रुपए हो जाती लगभग? 100-120 रुपए। धन्यवाद। धन्यवाद। 10 के 2 महंगा तो नहीं लग रहा है आपको? नहीं नहीं महंगा नहीं लग रहा। अब हम लोग मतलब अलग अलग जगह के ऊपर पूछते चलते हैं, जैसे जैसे मिलते जाएंगे थोड़ा पूछते जाएंगे, नई नई सब्जियां आती जाएंगी, साथ ही नए नए लोग प्राइस बताते जाएंगे, हो सकता है ऊपर नीचे कुछ हो। तो भाई ये टमाटर ये कैसे दे रहे हो, सॉरी लेमन नींबू कैसे दे रहे हो? 20 रुपए का 250। अगर जैसे कोई 1 किलो लेता है तो 70 का दे देते हैं। और ये धनिया कैसे देते हो? 5 रुपए गड्ढी। और ये 20 रुपए की 250। 1 किलो ये भी 70 की दे देते हैं। 70 के रुपए। अच्छा ये सारी जो सब्जी है भैया आपको आराम से मंडी में मिल जाती जहाँ से आप लाते हो? हाँ मिल जाती है आराम से। जो ये प्राइस में बेच रहे हो इसमें भी कुछ आप कमाते होगे, मेहनत करते होगे? हाँ मेहनत करते हैं, थोड़ा बहुत खर्चा पानी चल जाता है बीवी बच्चन को। अच्छा जो लोग यहाँ सब्जी खरीदने आते हैं वो ये तो नहीं कहते बहुत महंगी सब्जी है, बड़ी दिक्कत हो रही है खरीदने में, ऐसा कुछ? नहीं यहाँ सस्ता मिलने बिकता है। चलिए आप क्या बेच रहे हैं भैया? क्या बेच रहे? अरे टमाटर पालक धनिया बेच रहे हैं। आप क्या खरीदने आए? पालक। पालक क्या रेट पालक है? पालक 20 रुपए किलो। अच्छा 20 रुपए किलो में कोई दिक्कत है खरीदने में? कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है। बढ़िया है। लहसुन कैसे दे रहे हो? 20 रुपए का 250 ग्राम। 1 किलो अगर लेगा तो? 1 किलो 60 रुपए का लग जाएगा। 60 रुपए किलो, बढ़िया है, नंबर एक का। और प्याज? प्याज है 25 रुपए किलो। कुछ लोग 20 रुपए में दे रहे थे, कुछ 20 में बेच रहे हैं, वो मीडियम वाली है, अच्छी वाली है। और ये अलग अलग है ना? जी जी। कटाई? ये कटाई है 25 रुपए की 250 ग्राम। अच्छा सर ये बताइए अच्छा। जो इस समय सब्जी के प्राइस हैं वो कोई महंगे आपको लग रहे हैं, कोई दिक्कत हो रही? नहीं हमको महंगे नहीं लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो जिस वजह से पैदावार जिसे हो रही है उस तरीके से ठीक है,
क्योंकि महंगाई भी तो है ही है, कहने का मतलब खाद और बीज 10 रुपए में टमाटर मिल रही है, खाद बीज सारी चीजें पड़ती हैं, तो कहाँ से भाई इसमें कहा जाए महंगा है। एक मान लीजिए अगर 5-6 दिन की सब्जी लेते हो आप, तीन मैक्सिमम लोग 2-3 दिन की सब्जी लेके जाते हैं, तो 3 दिन की सब्जी कितने रुपए में हो जाती है? अरे मुश्किल से बस ये मान लीजिए 10-50 रुपए में, बस 50 रुपए में तीन। हाँ सर, हर हमारे 100 रुपए की सब्जी हो जाती 3 दिन की, हमारे हर मकान का अलग अलग होता है। आपका लगभग कितने को जाता है, मान लीजिए 3 दिन की आप सब्जी लेंगे कितने रुपए में? हमारी 100 रुपए में हो जाती है। 100 रुपए 3 दिन। बढ़िया, एकदम कोई दिक्कत नहीं, एकदम कितने 100 रुपए। धन्यवाद जी। तो गाइस आज की वीडियो और सब्जियों के रेट ने दिमाग घूम गया है हमारा, इतने ज्यादा हैरान हो गया यहाँ पे, घूम गया। अच्छा भी लग रहा है, बुरा भी लग रहा है, मिक्स फीलिंग्स हैं। वहाँ के लिए लोगों के लिए अच्छा लग रहा है, अपने लिए बुरा लग रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ वो बोले 100 रुपए की 3 दिन की सब्जी आ जाती है, यहाँ पे हम सोच सकते हैं कभी भी। हम लोग सीरियसली आपको बताएंगे, हर रोज 1000 रुपए लगता है सब्जी पे, सिर्फ और सिर्फ अगर आप सब्जी लेकर आ रहे हो या फिर दाल भी लेके आ रहे हो ना, तो फिर भी, तो वो भी आपको 1000 सिर्फ ये जो खाने का है इस पे, इसमें ऑयल नहीं होता है, इसमें जो गैस वो नहीं होती है, इसमें दूध नहीं होता है, इसमें जो खाने का जो प्याज वगैरह भी अलग होता है, वो भी प्याज वगैरह भी अलग होता है, सब कुछ अलग, सिर्फ वो जो सब्जी मतलब लेकर आ रही, सिर्फ उसकी बात हो रही है। मतलब कि यहाँ पे उन्होंने वो जो है बताया जिंजर और गार्लिक जो उन्होंने बताया वो कितने ज्यादा सस्ते हैं, यहाँ पे 400-400 रुपए किलो है वो दोनों चीजें, तो इतनी ज्यादा महंगी, आलू से ज्यादा पिछले दिनों तो हुआ। हाँ, और आलू भी कितने ज्यादा महंगे हैं, यहाँ पे 70-80 रुपए है मुझे लगता है ना, इतने 70 रुपए के शायद, हाँ 70 रुपए के किलो है, लेकिन वहाँ पे बहुत ज्यादा सस्ती हर सब्जी की प्राइस वहाँ पे बहुत ज्यादा। ये अभी मतलब आम मार्केट में ये रेट है जो लोग हम जैसे जो जाके खरीदते हैं, लेकिन जो मतलब होता है ना जहाँ पे ज्यादा मंडी जिसको बोलते हैं वहाँ पे तो इतनी ज्यादा, इससे भी ज्यादा सस्ती मिलती है, तो कितना ज्यादा रेट में फर्क आ जाता है। रात को ही हम लोग लेकर आए थे, क्या लेकर आए थे, बंद गोभी जिसको वो बोल रहे हैं ना, वो हम लेकर आए हैं, शिमला मिर्च थी एक छोटी सी थी, और एक बंद गोभी का फूल था छोटा सा, और बस यही था मुझे लगता है, खीरे थे, हाँ दो खीरे थे। तो कितने के आए थे? 100 रुपए के आए थे, 100 रुपए यहाँ पे आपको 5 रुपए का वो बोल रहे थे कि एक बंद गोभी का फूल मिलेगा, 10 रुपए में मिल जाएगा, ये वो इतना सामान हम लोग लेके आए थे, वो हाँ, वो सारा 10 रुपए में हमें मिल जाता है, और कहाँ पे हम लोग 100 रुपए में लेके आए थे, इतना अंदाजा आप डिफरेंस आपको बता रहे हैं कि इतना ज्यादा, इतना जीना हराम है, यहाँ पे सैलरी भी नहीं है लोगों की इतनी की लोग अफोर्ड कर पाए, वहाँ के लोगों को कितना ज्यादा रिलीफ है यार, सच्ची में कितने लकी हो आप लोग, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को। हम लोग यहाँ पे क्यों हैं, सीरियसली बहुत यहाँ पे हम लोगों को नहीं रहना है, बिल्कुल भी नहीं रहना है हम लोगों को, लेकिन हमारे बहुत ज्यादा व्यूवर्स बोलते हैं कि आप लोग छोड़ दें ये आ जाए इंडिया, छोड़ देंगे पर आना इतना इजी नहीं है, आप लोगों को भी वो चीज पता ही है, हम लोग को भी पता है, और हमारे मुल्क तो ऐसे हालात है हमें तो किसी और का वीजा भी नहीं मिलता है इजिली, तो हमारे लिए सीरियसली यहाँ रहना भी बहुत मुश्किल है, यहाँ से निकलना भी बहुत मुश्किल है, और यहाँ से निकलने के लिए जो रकम की जरूरत, जो अमाउंट की जरूरत हमारे पास वो भी नहीं है, सो इस वजह से हमारे लिए तो बहुत ही ज्यादा एक मुश्किल टाइम है अभी के लिए कि क्या किया जाए, ये हमें समझ में नहीं आता, दुख से भरे हम लोग हैं, हम आपको क्या कहेंगे। तो ये वीडियो थी, आपकी क्या राय इस वाले से प्लीज बताइएगा, फिर आपको मिलता है एक और वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच।